नमस्कार दोस्तों, मनोज साइबर कैफे के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जो इस बार प्राइवेट स्कूलों में 134 के तहत जो एडमिशन होते थे वो इस बार नहीं होंगे। जो एडमिशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ मॉडल संस्कृति जो स्कूल है वहीं पे इस बार अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली न्यूज़ है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 134 के तहत सभी जानकारी आपको मेरे चैनल पर स्पेशली दी जाएगी। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ है हरी भूमि की है, सोनीपत से ये न्यूज़ है। अभिभावक मॉडल संस्कृति विद्यालयों के लिए कर सकते हैं अप्लाई, और इसकी जो लास्ट डेट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, 134 के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को निजी विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के नियम को लेकर इस बार सरकार ने यू टर्न ले लिया। कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नियम 134 में सिर्फ और सिर्फ राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों के लिए ही अप्लाई होगा। इस साल EWS और BPL अभिभावक 134 का लाभ प्राइवेट स्कूलों में नहीं उठा पाएंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ है। प्राइवेट स्कूलों में आप इस बार अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके जो मॉडल संस्कृति स्कूल हैं वहीं पे आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। यही नहीं, अभिभावकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए महज 3 दिन का ही समय दिया गया है। तो दोस्तों, आप अगर ये न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे इसका भी डिटेल में बताऊंगा आपको। महज 3 दिन का इसमें समय दिया गया है, यानी अभिभावक नियम 134 के तहत 10 अप्रैल तक, ठीक है दोस्तों, 10 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। सरकार के इस नियम से अभिभावकों में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते, तो फिर इस नियम के तहत आवेदन करने की औपचारिकता जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अभिभावकों ने इस नियम में बदलाव की मांग की है ताकि बच्चों को निजी स्कूलों में बेहतर शिक्षा दिलवाई जा सके। बता दें कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले होनहार और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से नियम 134 को था जो लागू किया गया था। जो कमज़ोर बच्चे हैं, निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा उनको दी जाती थी। कोरोना महामारी के कारण शैक्षणिक 2020-21 का पूरा साल आपका ऐसे ही निकल गया था, उसमें कोई प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हुआ था, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म थे वो स्टार्ट किए गए थे, बाद में वो भी आपके एज इट इज़ बने रहे, उसमें कोई आगे नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आया। प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रदेश में 136 राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तथा 1418 राजकीय मॉडल संस्कृत प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नियम 134 के तहत आवेदन शुरू तो कर दिए गए हैं, लेकिन अभिभावकों को आवेदन करने के लिए महज 3 दिन का इसमें समय दिया गया है। तो दोस्तों, आप इसमें एडमिशन कैसे करवाएंगे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो आपके मॉडल स्कूल हैं वहाँ पे एडमिशन है जो अभी हो रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे जाना होगा, डायरेक्ट वहाँ पे आपको बात करनी है। अब आपके ज़िले में एडमिशन करवाने के लिए आपको मॉडल स्कूल है जो मॉडल संस्कृति स्कूल है वो कहाँ पे आया, तो आप नेट पे सर्च कर ले, आप किसी जो सरकारी स्कूल आपके नियर बाई वहाँ पे एक बार इसके बारे में कन्फर्म कर ले। जहाँ जहाँ स्कूल है वो लिस्ट में जो भी है आपको उसके बारे में पूरी हेल्प की जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल है दोस्तों, वेबसाइट पे तो कोई अपलोड नहीं किया गया, तो यहाँ पे ये न्यूज़पेपर में आया है। ये सोनीपत में यहाँ पे 30 मॉडल स्कूल दिखाए गए हैं। सरकार शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से प्रदेश भर में 136 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा 1418 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। सोनीपत जिले की बात करते हैं तो 30 स्कूल राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय और 7 स्कूल राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें CBSE पैटर्न पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। इन स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। 10 अप्रैल तक इसमें आप जो 134 के तहत अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार आपको डायरेक्ट वहाँ पर एडमिशन के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल में आपको जाना होगा, अपने डॉक्यूमेंट ले और जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको भी एडमिशन लेना है, जो आपके जानकार हैं, जल्दी से जल्दी उनको एडमिशन लेना, तो वहाँ पे जाके अपना एडमिशन के लिए बात करें। तो दोस्तों, वहाँ पे CBSE पैटर्न के बेस पे पढ़ाई की जाएगी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। तो अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, जल्दी जल्दी इसको आगे फॉरवर्ड करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।